ये जगह है कमालपुर के पास, इधर कड़े के पहले पड़ती है। तो यहाँ भी एक मज़ार है जहाँ पे लोगों की बहुत सारी मन्नतें लोग करते हैं, पूरी भी होती हैं। तो चल के देखते हैं इधर का क्या माहौल है और कैसा लग रहा है इधर। देखो जंगल ही जंगल है एक तरफ से, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। पूरा जंगल है, पूरा एक तरफ से जंगल है। ये देखो लेकिन व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो हम आ गए हैं मज़ार। ये भी बहुत पहले की मज़ार बनी हुई है। काम लगा है, देखो यहाँ पे काम चल रहा है क्योंकि लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, इसलिए लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है यहाँ से। यहाँ पे लोग नमाज अदा करने आते हैं। इतना पुराना ये दृश्य है यहाँ पे, शायद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देख के। देखिए कैसे ऐसे साइड साइड का कुछ इसमें टूटा हुआ सा दिख रहा है, लेकिन लोगों की मन्नतें जुड़ी हुई है इनसे, यहाँ से बहुत उम्मीद है लोगों की। लोग कहते हैं, मुझे तो मालूम नहीं लेकिन मैंने किसी से पूछा तो बता रहे हैं कि हज़रत सैयद दीवान गदा अली शाह बहुत सारी मज़ार बनी हुई है यहाँ पे। इधर लोग रह रहे हैं और ये देखो ये कितना पुराना है, आप देख सकते हो पुराने ज़माने वाली ईंटें लगी हुई हैं इसमें। सारा कुछ तो टूटा हुआ है लेकिन इसका कुछ हिस्सा बचा है अभी, और इसके गेट की डिज़ाइन देख लो, है तो बहुत पुराना ये। तो वो कितना बढ़िया लग रहा है, ये बहुत कम देखने को मिलता है ये इतनी प्राचीन चीज़ें। ये पत्थर देख सकते हो कितने बढ़िया दिख रहे हैं। मैंने सोचा ऐसी जगह पे जाके दिखाता हूँ अपने कुछ दोस्तों को और पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। ये देख लो पूरा ऐसे साइड साइड से जैसे गिरने को दिख रहा है, लेकिन ये बहुत मजबूत है। पूरे पत्थर लगे हुए हैं इसमें, पूरी दीवारें पत्थर की हैं। शायद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कब का हो सकता है। हालांकि कोई बोर्ड तो नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ भी नहीं है, बस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये मज़ार के पीछे तरफ का हिस्सा है, ये देख लो पत्थर देख लो, सबसे बढ़िया पत्थर दिख रहे हैं। ये पीछे मज़ार बनी हुई है, यहाँ पे अगरबत्ती भी जल रही है। कुछ टाइम पहले यहाँ पे कुछ लोग आए थे, अभी थोड़ी देर पहले। ये देख लो जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो आके यहाँ पे साफ़ सफाई और सारी चीज़ों का ध्यान रख के हरदम आते रहते हैं। और देख लो कितनी शांति है, सिर्फ
चिड़िया दिख रही हैं, बोल रही हैं, और यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा। जंगल, एकदम जंगल, कुछ भी नहीं दिख रहा। शायद कुछ लोग आए भी होंगे यहाँ पे। मेरा मतलब मेरे गांव के कुछ लोग, बाकी तो यहाँ पे हरदम आते रहते हैं। बता रहे हैं लोग कि बहुत पहले मेला बहुत लगता था यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा, पर अब शायद नहीं हो रहा है ये सब। यहाँ पे जुम्मा वाले दिन लोग आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पूरा जंगल है, एक तरफ से जंगल, और इसी जंगल के बीच में बनी है ये मज़ार। सोचो जब अभी इस टाइम यहाँ पे इतना जंगल है, इतने पेड़ हैं, तो पहले शुरुआत में यहाँ पे क्या क्या हाल रहा होगा यहाँ का। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ तो शक्ति है जो लोग जुड़े हैं यहाँ से, आज भी बहुत अच्छे से सजा के बना के रखे हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि प्राचीन चीज़ें हैं, धरोहर है अपनी, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और पूरी भी होती हैं मन्नतें। तभी जाके आप समझ सकते हैं ना कि यहाँ की साफ़ सफाई और देख रेख, हर एक चीज़ का ख्याल रखते हुए, इसलिए तो हमें पता है कि भाई कुछ तो है। आप दुआ कर सकते हैं अपने लिए, भाई मैंने तो कर लिया। तो आज की वीडियो का द एंड करते हैं, मुझे आज यहीं पे आना था, तो मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट में आप बताने की कोशिश करें कि कौन सी जगह पे मैं जाऊँ, आसपास की जगह पे कोई जहाँ जा सकता हूँ मैं, तो मैं ज़रूर जाऊँगा, देखूँगा कि हाँ वहाँ पे क्या है, आपको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो वैसे तो आज मज़ा आ गया, इतना भयंकर जंगल दिख रहा है, कसम से मज़ा आ गया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।